हेलो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने कैपेसिटर को इंट्रोड्यूस किया था, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है, राइट? कैपेसिटर एक ऐसी चीज होती है जिसमें आप चार्ज स्टोर कर सकते हैं, राइट? अब कोई भी चीज जब स्टोर करेंगे तो उसकी कैपेसिटी डिफाइन करना जरूरी है कि भाई कितना चार्ज स्टोर कर सकता है, राइट? तो हमने कैपेसिटी की कुछ इस तरह से डिफाइन की थी कि भैया अगर मैंने क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज उसमें डाला तो अगर मेरा पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा तो मतलब उसकी कैपेसिटी ज्यादा है, वो और चार्ज अपने ऊपर स्टोर कर सकता है, राइट? तो इसलिए मैंने Q इज प्रोपोर्शनल टू V किया, और जो कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है दोस्तों, उसको मैंने बोला कि वो कैपेसिटी है, क्योंकि अगर पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा तो कैपेसिटेंस ज्यादा होना चाहिए, राइट? सो दैट इज वाई Q इज इक्वल टू CV। अब हमने फिर उसके बाद ये जाना कि भाई कैपेसिटेंस, जो कैपेसिटी होती है, वो ज्योमेट्रिकल शेप एंड साइज के ऊपर ही डिपेंड करती है, फाइन? तो इसलिए जो है हमने देखा अलग अलग तरह की ज्योमेट्री का कैपेसिटेंस, राइट? टिपिकली तीन तरह के कैपेसिटर्स पाए जाते हैं दोस्तों। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है, दूसरा सिलेंड्रिकल कैपेसिटर होता है, और तीसरा स्फेरिकल कैपेसिटर होता है, राइट? और इन तीनों केसेस में हमने कैपेसिटेंस निकाला, उसकी कैपेसिटी निकाली कि भाई कितना कैपेसिटी होगी, राइट? तो ये सब हमने किया था पहले लेक्चर में, राइट? तो हमने काफी मैथमेटिकली ये सब डिराइव किया और काफी मैथमेटिकल रहा है सब कुछ, राइट? इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम थोड़ा फिजिकली बात करेंगे कि कैपेसिटेंस को किन किन चीजों से और फर्क पड़ता है। अगर मैं कुछ मटेरियल या मीडियम चेंज कर दूं दो मेटल प्लेट्स के बीच में या दो मेटल कंडक्टर्स के बीच में, तो क्या कैपेसिटी चेंज हो जाएगी? तो हम वो डिस्कस करेंगे यहां पे, ठीक है? और साथ ही साथ ये भी डिस्कस करेंगे दोस्तों कि अगर मैं एक से ज्यादा कैपेसिटर कनेक्ट कर दूं तो कैसे उसकी कैपेसिटी ओवरऑल निकालूंगा, क्योंकि सिंगल कैपेसिटेंस का कैपेसिटी तो मैं आराम से निकाल सकता हूं, मेरे पास तीन तरह के फॉर्मूले हैं। लेकिन अगर मान लीजिए तीन चार कैपेसिटर मैंने सीरीज में कनेक्ट कर दिए, तो उन तीनों का कैपेसिटी मैं एक साथ कैसे निकालूंगा, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे, राइट? और टुवर्ड्स द एंड दोस्तों हम बात करेंगे कि भाई कितनी एनर्जी स्टोर करता है कैपेसिटर, क्योंकि जब कैपेसिटर चार्ज स्टोर करता है दोस्तों, तो एक तरफ पॉजिटिव चार्ज होता है और दूसरी तरफ नेगेटिव चार्ज होता है। भाई दो पॉइंट चार्जेस के बीच में एनर्जी तो फिक्स्ड है, के Q1 Q2 बाई R। अब अगर मान लो बहुत सारे पॉइंट चार्जेस स्टैक्ड हैं, यहां प्लस क्यू प्लेट है या माइनस क्यू प्लेट है, तो वो भी कुछ एनर्जी स्टोर ही कर रहा होगा, राइट? तो हम कितनी एनर्जी स्टोर कर रहा है उसके बारे में जानेंगे और उसको क्वांटिफाई करेंगे, फाइन? और जैसे ही उसको क्वांटिफाई कर देंगे दोस्तों, तो हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज कर सकते हैं, जो कि यूनिवर्सल प्रिंसिपल है, राइट? तो चलिए दोस्तों, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटेंस, ओके? चलिए, तो मैं एक कैपेसिटर ऐसे बना लेता हूं, ये रहा मेरा कैपेसिटर, ठीक है? इसके बीच में दोस्तों मान लीजिए मैंने ऐसे एक डाइलेक्ट्रिक लगा दी। डाइलेक्ट्रिक होता क्या है? डाइलेक्ट्रिक एक इंसुलेटेड मटेरियल होता है, ठीक है? और उसके अंदर जो है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो फ्री टू मूव नहीं होते हैं दोस्तों, ठीक है? तो क्या होगा? अब अगर मान लीजिए ये पॉजिटिव प्लेट है और ये नेगेटिव प्लेट है, राइट? तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड होगी दोस्तों इस डायरेक्शन में, फाइन? तो ये रही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। अब हालांकि इलेक्ट्रॉन्स फ्री टू मूव नहीं है, लेकिन फिर भी फोर्स तो एक्सपीरियंस करेंगे, क्योंकि डायलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, फोर्स एक्सपीरियंस तो हो गई। अगर ये मेटल होता तो क्या होता? जो इलेक्ट्रॉन होता इस तरफ, अगर मान लो कोई इलेक्ट्रॉन होता मेटल में, ये फटाफट इस तरफ भाग जाता, तो यहां पे खूब सारे इलेक्ट्रॉन आ जाते, यहां पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता, फाइन? और तब तक ऐसा होता रहता जब तक जो इन दोनों की वजह से जो फील्ड है इसको कैंसल आउट ना कर दे, ठीक है? लेकिन ये तो डायलेक्ट्रिक है, इसमें तो इलेक्ट्रॉन फ्री मूव नहीं कर सकता है, राइट? लेकिन अल्टीमेटली कोई भी एटम जो है इस तरह से होता है कि भाई ये पॉजिटिव चार्ज है और एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है इसमें, इस तरह से, राइट? अगर इसमें आप इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे दोस्तों, तो ये पूरा डिस्टॉर्ट हो जाएगा, यहां पे पॉजिटिव चार्ज चला जाएगा और जो नेगेटिव चार्ज है वो एज इफ यहां पे शिफ्ट हो गया, ऐसा फील आएगा, राइट?
तो पूरा का पूरा ये एक डाइपोल बन जाता है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है एक तरह से आप बोल सकते हैं कि दोनों सेपरेट हो गए हैं और ये डाइपोल कैसे काम कर रहा है। हालांकि नेगेटिव चार्ज एटम के अंदर ही रहेगा लेकिन डिस्टॉर्ट हो गया एटम पूरा का पूरा, राइट। तो हम बोल सकते हैं कि यहां पे हमें ढेर सारे डाइपोल देखने को मिलेंगे। यहां नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, ऐसे करके ये चार्ज सेपरेशन हो जाएगा और खूब सारे यहां पे डाइपोल मोमेंट बन जाएंगे। तो पूरा डाइपोल मोमेंट से ये भर जाएगा जितना भी डाइलेक्ट्रिक है, ओके। और अगर इसको ध्यान से देखा जाए दोस्तों, तो ये जो पॉजिटिव लेफ्ट हैंड साइड का डाइपोल है और नेगेटिव राइट हैंड साइड का डाइपोल है, ये दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट कर रहे हैं, ओके। और सिमिलरली ये कैंसल आउट कर रहा है, ये भी कर रहा है, और ऐसे कैंसल आउट करते हुए चला जाएगा। जो एंड में बचेगा दोस्तों चार्ज, वो नेगेटिव चार्ज इस तरफ बचेगा और पॉजिटिव चार्ज उस तरफ बचेगा, ओके। तो इसको हम थोड़ा सा और क्लियरली बना लेते हैं। तो भाई ये जो प्लस क्यू चार्ज है, ये तो प्लेट का चार्ज हो गया, और माइनस क्यू यहां पे प्लेट का चार्ज हो गया, राइट। और जो डाइपोल मोमेंट की वजह से जो चार्ज यहां पर आएगा, उसको मान लीजिए ये माइनस क्यू है, और यहां पे जो चार्ज नेट नेट बन के आ रहा है उसको मान लीजिए प्लस क्यू है। ये डाइपोल मोमेंट्स की वजह से लगेगा एज इफ नेगेटिव चार्ज यहां आ गया और पॉजिटिव चार्ज वहां चला गया, फाइन। अब जो है एक देखने वाली चीज ये है कि जो ये प्लस क्यू की वजह से और ये माइनस क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी दोस्तों, वो इस तरह से आएगी। ये हो गई आपकी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइन। और ये जो इंड्यूस डाइपोल मोमेंट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो होगी इस तरह से। ये हो गई आपकी इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइन। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कैपेसिटर कितनी हो गई दोस्तों? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कैपेसिटर हो गई ई एक्सटर्नल माइनस ई इंटरनल, ठीक है। अब ई एक्सटर्नल कितना है? ई एक्सटर्नल मुझे तो ये पता ही है कि दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, जो प्लस क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आनी चाहिए, वो सिग्मा बाई टू इप्सिलॉन नॉट है इस डायरेक्शन में, और इसकी वजह से भी इसी डायरेक्शन में सिग्मा बाई टू इप्सिलॉन नॉट आएगी, क्योंकि दोनों की चार्ज डेंसिटी सेम है, राइट। तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी सिग्मा बाई इप्सिलॉन नॉट, और इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी दोस्तों सिग्मा पी डिवाइडेड बाई इप्सिलॉन नॉट। भाई क्योंकि बात यहां पर यह है कि जो सिग्मा है ये चार्ज डेंसिटी है जो प्लेट में थी, और सिग्मा पी है वो चार्ज डेंसिटी ड्यू टू इंड्यूस डाइपोल मोमेंट है, फाइन। सिग्मा को मैं कैसे लिख सकता हूं? सिग्मा को आप लिख सकते हैं क्यू डिवाइड बाई एरिया, सो दिस विल बी क्यू बाई ए इप्सिलॉन नॉट, एंड दैट विल बी स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाई ए इप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये आपकी हो गई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। पहले कितनी थी इलेक्ट्रिक फील्ड? जब हमने डाइलेक्ट्रिक नहीं डाला था तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी? इलेक्ट्रिक फील्ड वॉज सिग्मा बाई इप्सिलॉन नॉट, फाइन। और जब हमने डाइलेक्ट्रिक डाला तो इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी हो गई, फाइन। तो इसको मैं चार्ज के टर्म में लिख लेता हूं, तो दिस विल बी क्यू बाई ए इप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब हर डाइलेक्ट्रिक जो है अलग अलग तरीके से अफेक्ट करेगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। भाई ये कोई एक डाइलेक्ट्रिक है जिसका ये Q इंड्यूस हुआ, और कोई और डाइलेक्ट्रिक डालेंगे जिसमें 2Q इंड्यूस हो जाएगा, और थर्ड डाइलेक्ट्रिक डालेंगे जिसमें Q बाई 2 ही इंड्यूस होगा। तो डाइलेक्ट्रिक की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी चेंज हो रही है, राइट। तो हम लोग एक ऐसा टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं जो डाइलेक्ट्रिक को डिफाइन करता है, और वो टर्म है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, फाइन। तो लिख लीजिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम K से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो होता है रेशियो बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड विदाउट डाइलेक्ट्रिक डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड विथ डाइलेक्ट्रिक, ओके। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पे E नॉट है, और अगर आपने डाइलेक्ट्रिक डाल दिया उसमें जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी?
1 बाई के टाइम्स, ओके। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी हो जाएगी जो पहले की इलेक्ट्रिक फील्ड है डिवाइडेड बाई के, ओके। तो भाई ये जो आया मेरा ये क्या है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी इक्वल टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइड बाई के, राइट। वही तो डायलेक्ट्रिक का डेफिनेशन है, राइट। तो भाई अगर हम उसको और इसको इक्वेट कर देंगे तो हमारे पास आएगा Q डिवाइडेड बाई के ए एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट माइनस स्मॉल Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट, राइट। जब इसको सिंप्लीफाई करने जाएंगे तो आपको आएगा वैल्यू ऑफ स्मॉल Q इक्वल टू Q टाइम्स 1 माइनस 1 बाई के, ठीक है। तो आपने ये निकाल लिया कि भाई डाइपोल मोमेंट की वजह से कितना चार्ज डेंसिटी होगा इस प्लेट की तरफ और उस प्लेट की तरफ। तो आपने ये चार्ज निकाल लिया है एंड क्यू बाई ए विल बी चार्ज डेंसिटी, ओके। अब हमने चार्ज तो निकाल लिया है दोस्तों, लेकिन कैपेसिटेंस को क्या फर्क पड़ेगा, क्या कैपेसिटेंस चेंज होगी, क्या वैल्यू ऑफ सी यहां पर बदलेगी। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई आपकी, इलेक्ट्रिक फील्ड आई मेरी ई नॉट बाई के, ठीक है, इज इक्वल टू ई नॉट बाई के। तो मेरा जो पोटेंशियल डिफरेंस पहले था वो कितना था दोस्तों, वो था ई नॉट इंटू डी, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस इज द पोटेंशियल डिफरेंस, फाइन। अब अगर मैं डी से मल्टीप्लाई कर दू दोनों तरफ तो ई इंटू डी कितना आ गया मेरे पास, ई नॉट डी बाई के, ठीक है। तो नया जो पोटेंशियल डिफरेंस है दोस्तों वो हो जाएगा पहले का पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाई के, ठीक है। और चार्ज तो उतना का उतना ही रहेगा, डायलेक्ट्रिक डालने से नेट चार्ज जो Q है वो Q ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, राइट। तो अगर मैं ये बोलूं कि Q नॉट बाई V नॉट, ये अगर C है तो Q नॉट बाई V मेरा होना चाहिए नया कैपेसिटेंस, इसको मैं C नॉट ले लेता हूं, ये C होना चाहिए, राइट। और V कितना है, V नॉट बाई K है। तो जब इसको सब्स्टिट्यूट करूंगा दोस्तों तो मेरे पास आएगा Q नॉट बाई V नॉट K टाइम्स ऑफ दैट इज इक्वल टू C, ओके। और Q नॉट बाई V नॉट क्या है, Q नॉट बाई V नॉट मेरा C नॉट है, तो कैपेसिटेंस हो गया मेरा K टाइम्स अर्लियर कैपेसिटेंस, ओके। सो मैं यहां लिख देता हूं जो न्यू कैपेसिटेंस है इज इक्वल टू K टाइम्स अर्लियर कैपेसिटेंस। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको आप याद रखिए कि भाई जो कैपेसिटी है कैपेसिटेंस की वो K टाइम्स हो जाएगी अगर आप डायलेक्ट्रिक डाल देते हैं ऑफ वैल्यू K बिटवीन द मेटल्स, ओके।